देखो निश्चित रूप से जिस तरह से गर्मी का सीजन ये गया है और इस गर्मी के सीजन में आदरणीय बजरंग शर्मा जी के नेतृत्व में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जिस तरह से जनहित को देखते हुए की गई है, बरसात के समय में भी निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी और काम करते हुए जो भी चाहे वो जल निकासी का मामला हो या कहीं फ्लड का मामला हो, सभी पूर्ण रूप से आदरणीय बजरंग शर्मा जी के नेतृत्व में अच्छा काम होगा। मैं विशेष करके क्योंकि बसेली विधानसभा से संदर्भ रखता हूँ, यहाँ की जो नगर पालिका में जो बैठे हुए कर्मचारी हैं वो किसी काम की गंभीरता को नहीं समझते हैं। जिस तरह से जिस मानसिकता से आदरणीय बजरंग सरकार काम कर रही है, जनहित को देखते हुए काम कर रही है, उसके आदेशों की ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि विशेष करके नगर पालिका बसेली में उस आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए मुझे प्रतीत होता है। इसकी वानगी ये है कि अभी दो दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा और किसी न्यूज़ चैनल पर भी मैंने देखा कि आदरणीय जो नगर परिषद अधिशासी जो अधिकारी है उसके नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सफाई अभियान सिर्फ जो शमशान घाट है उसी तक सीमित है? आज मैं जिस तरह से कल मैंने दौर कई गांवों में गया था नगर पालिका के क्षेत्रों में और विशेष करके बसेड़ी कस्बे में मैंने देखा है कि दोनों साइड में जो नाले पड़े हुए हैं बसेड़ी कस्बे में उनकी सफाई व्यवस्था का कोई उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। सिर्फ यहाँ जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग और कर्मचारी बैठे हुए हैं या जो चेयरमैन है, चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन जिसको अधिकार नहीं है वहाँ बैठने का, क्योंकि वो चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन उसकी पत्नी है, परंतु उन सभी आदेशों को देखते हुए उन्होंने सिर्फ कल बड़ा ही एक अखबार में न्यूज़ दी कि आदरणीय जो उसके अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, उन्होंने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान सिर्फ समृद्ध उसके शमशान घाट तक सीमित था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है जो जनहित के काम को करने में अपना विश्वास रखती है और द्रुतगति से उन कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। किस तरह से हम जनता के बीच में जाकर के किस तरह से उनके हित को हम साध सकते हैं, उनके हित में काम कर सकते हैं, इसको लेकर के काम करने वाली है। परंतु यहाँ के जो बैठे हुए जो ईओ है, उस ईओ को यही नहीं पता है कि बरसात आने वाली है, बसेड़ी के नालों की सफाई व्यवस्था क्या है, आज तक उन नालों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनका प्लानिंग क्या है किसी को नहीं पता। सिर्फ अखबारों में बावाई लूटने के लिए उन्होंने सिर्फ एक शमशान घाट का दे दिया कि शमशान सफाई अभियान का हुआ शुभारंभ। दूसरा विषय ये था कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया थी, बसेड़ी बाजार की आप स्थिति देखते हैं किस तरह से जाम लगा रहता है, सिर्फ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रतिष्ठान थे या उनकी दुकानें थी उन्हीं पे जाकर के फॉर्मेलिटी करके चले आए। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन है वो कांग्रेस की मानसिकता का है पूर्ण रूप से और ईओ उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। तो मेरा तो ये है कि जो अधिशासी अधिकारी होता है वो किसी कांग्रेस या बीजेपी का नहीं होता, वो सरकार का होता है और जनता का होता है, क्योंकि जनता के टैक्स से उसको पैसा मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन ये है और मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो सिर्फ अपनी जेब भरने के काम में ही लगे हुए हैं या ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपने जेब भरने के काम पदों पर बैठे हुए जेब भर रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाए और आगामी भविष्य को देखते हुए नालों की सफाई व्यवस्था की जाए और जो कस्बे में जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है उस सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए और जो अतिक्रमण हो रहे हैं उन अतिक्रमणों को निश्चित रूप से हटना चाहिए जिससे जनता को काम मिले और आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए सफाई व्यवस्था पर बसेड़ी विशेष करके बसेड़ी नगर पालिका में ध्यान देना चाहिए।